तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लिकीचो फूड ब्लॉग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेकफास्ट में मीठे चीले बनाने जा रहे हैं, और ये चीले बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी को पसंद आते हैं, तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, प्लीज़ एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम गुड़ लेंगे, और गुड़ को हम चाकू की हेल्प से इसकी थोड़ी सी चूरी बना लेंगे, और इन चूरी का हम चाशनी तैयार करेंगे। तो देखिए, गुड़ की चूरी इसलिए बना रहे हैं क्योंकि गुड़ की चूरी से चाशनी बहुत कम समय में तैयार हो जाती है। अगर हम गुड़ की भेली से चाशनी बनाएंगे तो काफ़ी समय बर्बाद होगा, तो इस वजह से हमने देखिए चूरी बना ली है गुड़ की, और इसको भगोनी में डालेंगे। और भगोनी में डालने के बाद में हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद में देखिए इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। गैस की फ्लेम है मीडियम रखनी है, और आपको चम्मच की हेल्प से हिलाते जाना है। तो कुछ ही देर में गुड़ की चाशनी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ हमारी गुड़ की चाशनी तैयार हो गई है, और इसके अंदर हम एक बड़ी कटोरी आटा डालेंगे, और इसको चम्मच के हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, कई बार इसमें गांठें बन जाती है, तो अगर गांठें बन जाए तो चम्मच से दबा के आप इसकी गांठें निकाल लें। उसके बाद हम पिसी भी इलायची डालेंगे इसके अंदर, और थोड़े से हम तिल डालेंगे, और अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। तो ये हमने मीठे चीले का घोल तैयार कर लिया है, और हम इससे अब चीले तैयार करेंगे। कुछ देर हमने इसको ढक के रखा था, और अगर आपको देखिए अगर घोल गाढ़ा लगे तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के घोल को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पतला भी आपको नहीं करना है। तो हमें गाढ़ा लगा तो थोड़ा सा हमने इसके अंदर पानी डाल दिया, और अच्छी तरह से फिर हिला दिया है। अब इसके चीले तैयार करेंगे, तो तवे पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे, और गैस की फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है, लो टू मीडियम रखनी है। और इसमें हम जो चीले का घोल बनाया था वो डाल देंगे, और पलटे की सहायता से इसको गोल शेप दे देंगे। तो ये हमने गोल शेप दे दिया है इसको, और ये थोड़ी देर इसको पकने के लिए रखेंगे। और आप देखिए, इसके पकने के बाद में इसके हम चारों ओर तेल भी लगा सकते हो, चिमटे की और पलटे की सहायता से आप एक बार पलट लेंगे इसको, और इसके ऊपर थोड़ा सा आप चारों तरफ तेल भी लगा दीजिए, ताकि आप जब पलटें तो आसानी से पलट जाए। और इस तरह से किनारे से पलटे से लेते हुए आप दूसरी साइड में, एक तरफ से सिक गया है तो दूसरी तरफ से आप इसको पलटें और इस पर थोड़ा सा तेल लगाएं। तो देखिए, ये जो चीले हैं बहुत ही कम समय के अंदर तैयार हो जाते हैं, और बच्चे भी रोज़ रोज़ एक ही नाश्ता करके अगर परेशान हों तो आप इनको थोड़ा सा अलग ब्रेकफास्ट में मीठे चीले दे सकते हैं। तो आज की यह रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ हमारे मीठे चीले हम सर्व कर रहे हैं टमाटो सॉस और अचार के साथ में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।